हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन सोसाइटी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आईटीआई 2023 के लिए एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 2023 के जो एडमिशन फॉर्म है आईटीआई के, वो ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन के बाद जो आपका आईटीआई होता है, वो 10th या फिर 8th जिस क्लास से भी आप अपना फॉर्म फिल करते हैं, उसकी मेरिट लगती है। उस मेरिट में अगर आपका नंबर आता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज आपको सेकंड या थर्ड लिस्ट का वेट करना पड़ता है। तो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे, scbtup.in। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको पॉपअप देखने के लिए नहीं मिलता तो यहाँ पर डायरेक्टली आप इस वेबसाइट में प्रवेश पर क्लिक करके प्रवेश 2023-24 इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे यहाँ पर ऑनलाइन वाली विंडो ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप डेट्स देख सकते हैं, ये जो डेट्स हैं 9 जून से हमारे फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 3 जुलाई 2023 तक फॉर्म होंगे। जो फीस रहेगी ओबीसी की 250 रुपये रहेगी और एससी एसटी की 150 रुपये रहेगी। वहीं यहां पर अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है, तो उसके 48 आवर्स के अंदर आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर क्लिक करके आप आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन के दिशा निर्देश आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की या फिर अपने तहसील ब्लॉक की क्षमतावार सूची को डाउनलोड करना है कि किस स्कूल में किस ट्रेड की कितनी सीट्स हैं, तो वो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर आपको क्षमतावार सूची देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको जूम करके सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो ऊपर यहाँ पर ये सारी ट्रेड्स ही दे रखी हैं। ट्रेड्स के बाद यहाँ पर जिला दे रखा है और यहाँ पर तहसील और ब्लॉक खंड दे रखा है और आईटीआई का नाम दे रखा है। तो किस ट्रेड की कितनी सीट्स हैं वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो वो सारी डिटेल्स में देखने के लिए आपको पीडीएफ को ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं किस ट्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो यहाँ पर आप विवरण पुस्तिका पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। विवरण पुस्तिका पर जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी पीडीएफ ओपन होकर आ जाएगी। इसमें नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर पेज नंबर 40 से आपकी जो ट्रेड्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसमें आप देखेंगे ये हमारी जैसे ड्राफ्टमैन सिविल की पोस्ट है, इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेड कोड रहेगा और इसकी अवधि जो 2 वर्ष की रहेगी। इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए। साथ ही इस ट्रेड में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। भवन पुल निर्माण से आदि जो नाप ड्राइंग वगैरह शीट्स है, उस तरीके का काम इसमें सिखाया जाता है। एक सिविल इंजीनियरिंग का जो काम होता है वो इसमें सिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे और अपने लिए जो बेस्ट ट्रेड रहती है उसे फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर वापस आ जाना है और यहाँ आवेदन करें पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। तो डिटेल्स भरने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम इंग्लिश में भरेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना नाम हिंदी में भरेंगे। हिंदी में नाम भरने के लिए चाहे तो आप कुर्तिदेव जो हमारा फॉन्ट होता है उसी के हिसाब से हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, अदरवाइज कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली गूगल इनपुट टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुर्तिदेव फॉन्ट से ही लिखेंगे। उसके बाद अपना फादर नेम डालेंगे, उसके बाद फादर नेम को हिंदी में भरेंगे, मदर नेम को इंग्लिश में भरेंगे, उसके बाद मदर नेम को हिंदी में भरेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर दर्ज करेंगे और यहाँ कैटेगरी का चयन करेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, ये हमारी जो रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल्स है ये आप एडिट नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके की। और आपके फॉर्म में कहीं भी गलती हो जाती है तो वो आप एडिट कर सकते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स को एक बार बहुत ध्यान से फिल करने के बाद ही सबमिट करना है। तो यहाँ सब डिटेल्स को चेक करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, कन्फर्मेशन के लिए ओके पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दी जाएगी, ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज कर देनी है और यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप किस तरीके के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्राइवेट के लिए, अदरवाइज दोनों के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, चाहे आप राजकीय से अप्लाई करें या फिर निजी यानी प्राइवेट से अप्लाई करें, तो उस केस में आपकी जो फीस जानी है वही जाएगी। अगर आप दोनों से भी अप्लाई करते हैं तब भी आपकी फीस बढ़ेगी नहीं, आपकी फीस जो है सेम ही रहेगी। तो हमें केवल गवर्नमेंट से अप्लाई करना है तो गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे सिलेक्ट करके। अब यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर अपने पति या फिर पत्नी का नाम भर देंगे, तो बस इसे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आपकी सब कैटेगरी कुछ होती है फिजिकल हैंडीकैप वगैरह है तो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ऐसे ही रहने देंगे। डिसेबिलिटी में अगर आप किसी भी तरीके के डिसेबल हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसे छोड़ देंगे। माइनॉरिटी में अगर आप हिंदू छोड़ के कोई भी अदर कैटेगरी से आते हैं तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज इसे NA को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी दर्ज कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अन्य प्रदेश को सिलेक्ट करके अपने राज्य का चयन करेंगे। उसके बाद
पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो होम डिस्ट्रिक्ट जिसमें आप रह रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी तहसील को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने विकास खंड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस भर देना है और अगेन से यहाँ पर आपको अपना स्टेट एंड जिले को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपना पिन कोड दर्ज कर देना है और यहाँ पर जो भी आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है उसे यहाँ पर दर्ज कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपना पत्राचार का पता भरना है, दोनों सेम होते हैं तो सेम एज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। सेकंड स्टेप में आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी है, तो आप कोई 8th क्लास वाली पोस्ट भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 8th क्लास को सिलेक्ट करना कंपलसरी है, अदरवाइज 10th क्लास वाली डिटेल्स को 10th क्लास वाली पोस्ट को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 10वां पास को उत्तीर्ण करेंगे और 10वां पास अगर आपके पास मैथ और साइंस है तो उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी क्लास यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आगे चल के हमारी जो ट्रेड्स हैं वो ओपन होंगी। तो यहाँ पर हमें 8th वाली कोई पोस्ट नहीं बनी है तो 8th को ऐसा ही छोड़ देंगे और अपनी हाई स्कूल की डिटेल्स को यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आप 12th क्लास की भी कोई डिटेल्स देना चाहते हैं, 12th क्लास का ट्रेड फिल करना चाहते हैं, 10th क्लास की डिटेल्स में हमें सबसे पहले अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर अपना स्कूल का नाम दर्ज कर देना है और यहाँ पर अपना रोल नंबर दर्ज कर देना है और यहाँ पर अपनी पासिंग ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी सब्जेक्ट आपके हाई स्कूल में रहते हैं उन सब्जेक्ट को यहाँ पर एक एक करके कॉमा लगा के सभी सब्जेक्ट जो आपके 6 या 5 सब्जेक्ट हो सकते हैं उन्हें फिल कर देंगे। सभी सब्जेक्ट को फिल करने के बाद जो भी आपके पूर्णांक होता है उस पूर्णांक को यहाँ पर दर्ज कर देंगे, यानी टोटल मार्क्स। उसके बाद उसमें से जितने मार्क्स आपके प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद अगर आप प्रीवियस कोई ITI कर चुके हैं तो उस ITI का नाम दर्ज कर देंगे और अपने ट्रेड का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अगर आपके पास कुछ एडिशनल होता है, आप राज्यस्तरीय खिलाड़ी से औद्योगिक शिक्षण संस्थान में आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं तो उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, दोनों का जो साइज रहेगा 50 KB से कम रहेगा, जिसे हम JPG फाइल में अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए अपलोड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपका फोटो जो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अगेन से अपलोड पर क्लिक करके साइन को सिलेक्ट करेंगे। फोटो और साइन अपलोड होने के बाद नीचे यहाँ पर आपको सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपनी ट्रेड्स को आपको फिल करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। अगर आप ए ग्रुप को पोस्ट को भरना चाहते हैं तो सबसे पहले ए ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, बी ग्रुप की पोस्ट को भी भरना चाहते हैं तो बी ग्रुप को भी सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर दोनों चार्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नीचे वाला आपका रहेगा बी ग्रुप का एंड ऊपर वाला यहाँ पर रहेगा आपका ए ग्रुप का। हमें केवल ए ग्रुप की फिल करनी है तो यहाँ पर आपको इसे डिसलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर आप ITI कहाँ की भरना चाहते हैं, अपने विकास खंड की। सबसे पहले तो हमारे विकास खंड में कोई भी ITI नहीं है तो यहाँ पर किसी भी ITI का नाम नहीं आएगा देखने के लिए। आप यहाँ पर जैसे हम गृह तहसील सिलेक्ट करेंगे तो हमारी तहसील में 2 ITI हैं, दोनों के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद हम गृह जनपद सिलेक्ट करेंगे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी ITI हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। अगर हम गृह प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे स्टेट में जितनी भी ITI हैं सारी लिस्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो हमें केवल अपनी जनपद की ITI को ही फिल कर रहा है तो हमें केवल जनपद को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद जिस भी ITI को आप फिल करना चाहते हैं उसे यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ चुने पर क्लिक कर देंगे। चुने पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर उस ITI में जितनी भी ट्रेड्स होंगी वो ओपन होकर आ जाएंगे। तो जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस ट्रेड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आप ब्रैकेट में देख सकते हैं आपकी पोस्ट जो NCVT है या SCVT है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमें बदायूं से केवल फिटर और इलेक्ट्रीशियन लेनी थी, अब हमें एक कोपा की ट्रेड और भरनी है तो हमें दूसरी ITI देखनी पड़ेगी कोपा की ट्रेड किस ITI में। तो हमने दूसरी ITI को सिलेक्ट किया एंड हमें यहाँ पर ये कोपा की ट्रेड देखने के लिए मिल गई, तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। जितनी भी ITI को हम सिलेक्ट करेंगे उतनी यहाँ पर देख सकते हैं नीचे हमारी ट्रेड्स आ जाएंगी। अब आप जित पहले नंबर पर जैसे फिल करेंगे वो प्रेफरेंस आपको फर्स्ट नंबर दी जाएगी, उसमें अगर आपका मेरिट में नाम नहीं आता तो सेकंड, इसी क्रम से आपका रहेगा। तो उस जिसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हो तो फर्स्ट नंबर पर ही रखें। उसके बाद यहाँ पर आप इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं किसी ट्रेड को करना चाहें, तो मैंने यहाँ इलेक्ट्रीशियन को फर्स्ट नंबर पर रखा, फिटर को सेकेंड एंड थर्ड पर कोपा। उसके बाद किसी व्यवसाय को आपका गलत सिलेक्ट हो गया तो सिलेक्ट करके उसे यहाँ से हटा भी सकते हैं। आपके जैसे ही ट्रेड सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अभी आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली पूरा फिल हो चुका है और आपका जो फॉर्म है उसका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, साथ ही जो आपको फीस पेमेंट करनी है वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भी मिल गया, तो इस एप्लीकेशन नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें। कहीं भी फॉर्म में कुछ एरर हो जाता है तो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आकर यहाँ पर अपूर्ण आवेदन को पूर्ण करें, इस पर क्लिक करके आप अपने आवेदन को अपूर्ण को पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रीव्यू
आ चुका है, तो सारी डिटेल्स को ध्यान से चेक करेंगे। चेक करने के बाद नीचे यहाँ पर अगर आपकी सब डिटेल्स ठीक होती है तो मैं सहमत हूँ इसे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करने के दो गेटवे मिलेंगे, एक तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो पेमेंट गेटवे केवल पेमेंट गेटवे है, आप पेमेंट किसी से भी कर सकते हैं, यूपीआई या फिर किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से। गेटवे का मतलब ये नहीं है कि आपको इसी बैंक के पेमेंट से पेमेंट करना, तो यहाँ पर मुझे यूनियन पेमेंट का गेटवे से पेमेंट करना है, तो यूनियन को ही सिलेक्ट रहने दूंगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करूंगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारा यूनियन बैंक का पेमेंट गेटवे ओपन होकर आ जाएगा, इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। तो हमें डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड का नंबर फिल करेंगे। कार्ड की डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको बिलिंग डिटेल्स में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो जो भी मोबाइल नंबर आपने एप्लीकेशन में दर्ज किया वो नंबर दर्ज कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और नंबर पे पेमेंट डिटेल्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस नंबर को यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे, और यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी पेमेंट गेटवे सिलेक्ट किया उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को दर्ज करने के बाद यहाँ आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल। अब यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर्म पर क्लिक कर देना है। फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने केवल गवर्नमेंट आईटीआई को सिलेक्ट किया था तो हमारा गवर्नमेंट आईटीआई का फॉर्म जो है फिल हो चुका है। बाय चांस अगर आपने प्राइवेट का फॉर्म सिलेक्ट किया होता तो यहाँ पर आपका प्राइवेट भी फिल हो चुका है, लेकिन अगर आपने दोनों ही सिलेक्ट किए हैं प्राइवेट और रेगुलर, तो उस केस में यहाँ पर पहले आपका रेगुलर फॉर्म इस तरीके से भर जाएगा जिसकी डिटेल्स अभी हमने देख ली। उसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, प्रोसीड फॉर प्राइवेट फॉर्म। तो यहाँ पर आपको प्राइवेट बार कॉलेजेस को सिलेक्ट करके, ट्रेड्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर देना है। उसमें आपको एडिशनल कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है, केवल ट्रेड्स को भर के फॉर्म को सबमिट कर देंगे, दोनों के प्रिंट्स अलग अलग निकलेंगे, रेगुलर वाले का अलग प्रिंट रहेगा, प्राइवेट वाले का अलग प्रिंट रहेगा। तो ये पूरी प्रोसेस रहेगी, इस तरीके से अपना आईटीआई का फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। अगर आपके आईटीआई के फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो इसकी प्रोसेस हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि अगर आपका आईटीआई फॉर्म सबमिट हो चुका है उसमें कोई गलती हो गई तो उसे आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं। तब तक के लिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।